कहते हैं होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, तो आज हम आए हैं एक ऐसे होम स्टे में जिसे देख के आपका दिल ज़रूर इससे प्यार कर बैठेगा। तो आए हैं आज हम चिसांग में, तो देखते हैं चिसांग क्या है और कैसी जगह है। चलिए, कूचबिहार से जर्नी स्टार्ट करके जौल ढाका के पिक्चरस्क रूट से होकर हम पहुंचे वाइल्डवुड्स रिट्रीट चिसांग। लगभग 5 घंटे का जर्नी था, तो चलिए आपको भी करवाते हैं प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर। यहाँ के जो रूम्स है वो ईस्ट फेसिंग है, इसलिए सनराइज का गाइस आपको जितना अमेजिंग व्यू मिलेगा लाइक आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। एंड अगर आपको भी वाइल्डवुड्स रिट्रीट विजिट करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ स्क्रीन पे है, प्लस नीचे हम लोगों ने इसको डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में भी डाल दिया है। तो प्रॉपर्टी का टूर कम्प्लीट हुआ और चलिए अब हम मिलते हैं प्रॉपर्टी ओनर से। तो हाय गाइस, अभी हम हैं मिस्टर पॉल राय के साथ जो ये वाइल्डवुड रिट्रीट चिसांग के ओनर हैं। हम इनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे जो ये रिजॉर्ट है ये कब कितना पुराना है? ये मोटा मोटी 2018 में स्टार्ट किया, एंड ऑफ 2018 नवंबर से स्टार्ट किया, इसीलिए अभी कितना फाइव ईयर्स है। नहीं, 5 ईयर्स। हाँ, और ये जो रिजॉर्ट है मतलब यहाँ पे क्या क्या रूम्स है, टैरिफ्स कैसे कैसे हैं? अच्छा, ये टू टाइप्स का मतलब कैटेगरी का है, जैसे कि डिलक्स रूम एंड स्टैंडर्ड रूम। अच्छा, डिलक्स रूम का है 2300 रुपीज पर हेड पर डे का है, इंक्लूडिंग ऑल फूड एंड ऑल। एंड स्टैंडर्ड रूम का है आपका 1700 रुपीज पर हेड पर डे का है। और डिफरेंस क्या है दोनों रूम्स के बीच में? जो डिलक्स रूम है उसमें सब फैसिलिटी है अंदर में, जैसे कि आपका सब अंदर में सब करके आप खुद बना के खा सकते हैं, आपका एवरीथिंग इज देयर, लाइक कॉफ़ी, एवरीथिंग, टी, एवरीथिंग, मतलब रूम का स्टैंडर्ड ही अलग है। अच्छा, और जो फूड है आपका, जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसमें क्या क्या रहता है आपका? ब्रेकफास्ट में आपका ऑप्शन है, जैसे कि रोटी पूरी भी हो सकते हैं, आप ब्रेड ऑमलेट भी हो सकते हैं, हाँ? और जो आपका जैसे कि मैगी वाई जो पसंद है वो भी ले सकते हैं आप। और आपका लंच में आपको दिन में फिश होगा, रात में आपको चिकन होगा, और आपका ये राइस भी ले सकते हैं आप, नहीं तो आप रोटी भी ले सकते हैं। रोटी भी ले सकते हैं। और एक्सेप्ट देन दैट आप जो एक्स्ट्रा आप ऑर्डर करेंगे उसका पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा जैसे मतलब क्या क्या चीज़ें? जैसे कि आप चिकन चिल्ली, फ्राइड राइस, चिकन मोमो, वेज मोमो, नूडल्स वगैरह, ये सब जो भी आप होगा आपको एक्स्ट्रा पे करके। अच्छा, और यहाँ पे सर अगर आना है तो मतलब मान लीजिए सिलीगुड़ी से कोई आएंगे तो कैसे आ सकते हैं मतलब? हाँ, सिलीगुड़ी से आपको पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी है अगर आप गाड़ी चाहे तो, नहीं तो शेयर गाड़ी से भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका एक घड़ी मोड़ जो बोलता है, पानी टंकी मोड़। हाँ, पानी टंकी मोड़, घड़ी मोड़ भी बोलता है। वहाँ पर एक काली मंदिर है, काली मंदिर का पास में स्टैंड है, वहाँ से आप आ सकते हैं। अच्छा, 1 बजे वहाँ से गाड़ी छूटते हैं। अच्छा, और अगर पिकअप एंड ड्रॉप किसी को चाहिए तो कितना चार्जेस पड़ेगा आपको? 4500। अच्छा, मतलब दोनों पिकअप एंड ड्रॉप या सिर्फ वन साइड का 4500? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपका रिजॉर्ट हमें काफी अच्छा लगा, हमें रिजॉर्ट लाइक हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, एंड होप कि आप और ज्यादा यू नो ग्रो कर सके और भी ब्रांचेस खोल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस, इतनी सारी ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग के बाद लंच ब्रेक तो बनता था, तो रिजॉर्ट के जो स्टाफ थे उन्होंने हमारा गर्मा गर्म लंच सर्व किया, एंड लेट मी टेल यू, वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई मीन जस्ट 300 रुपये पर हेड में हमें मिला राइस, दाल, आलू फ्राई, पापड़, कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी, चिकन, एंड टेस्ट वॉज जस्ट टू गुड। मतलब आई पर्सनली लव द फूल गोभी की सब्ज़ी एंड दैट स्पाइसी चिकन करी, लेकिन एक स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा उनके सूप के लिए, जो अपेरेंटली इट वाज अ लोकल डेलिकेसी एंड उन्होंने इसको कुछ वेजीज, अदरक एक्सेट्रा दे के बनाया था, बट ट्रस्ट मी इट वाज वेरी वेरी डिलिशियस।
तो गाइज राइट नाउ हमने अपना लंच कंप्लीट किया, तो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि लंच में क्या क्या था. एंड लंच काफी अच्छा था, मतलब टेस्ट वाइज काफी अच्छा था. वेरी गुड, इट वाज क्वाइट टेस्टी. प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा, प्राइस के हिसाब से बहुत रीजनेबल था. इट वाज 300 रुपीस पर हेड, जिसमें आपका चिकन विकन सब कुछ इंक्लूडेड था. एंड अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो जॉल ढका होके हम लोग जाएंगे. एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगता है. 5 आवर्स का डिस्टेंस है कुछ भी. लास्ट 4-5 किलोमीटर थोड़ा रास्ता खराब है, अदरवाइज रास्ता अच्छा. आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा और थोड़ा हाथ में टाइम लेके आइएगा, बिकॉज लास्ट का जो 5-6 किलोमीटर स्ट्रेच है इट इज वेरी बैड आई वुड से. एंड वी रियली एंजॉयड द रिजॉर्ट. लाइक रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर है. हम लोग बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पे आएंगे, बट हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड यू नो टाइम फैक्टर. So Anish, how was your experience? It was very good. The view from here is very nice. It's an amazing viewpoint. I mean, I would say guys ki yahan se view itna sundar hai, aap zarur yahan pe aiyega, yahan pe night stay kijiyega. Khas karke hum log bhi plan kar rahe hain future mein kabhi night stay karenge. And aaj ke liye bas itna hi guys, milte hain agle kisi safar pe. Okay then, bye bye, take care, bye.